हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टडी विद सिविल बडी में। मैं हूं अमित सिंह भदौरिया। आज की हमारी क्लास राजस्थान जीके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज, और इस क्वेश्चन सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट पेपर की, और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आपने प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसे ज़रूर विजिट करना, और इसकी जो PDF है ये आपको वीडियो के जो फर्स्ट कमेंट होगा वहाँ पर पिन कर दी जाएगी, जो डायरेक्टली आपको एप्लीकेशन या वेबसाइट पर लेके चली जाएगी, वहाँ से फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं है उसका। चलिए तो क्वेश्चन सीरीज जो है आज का जो हमारा लेक्चर है उसे हम स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का, आज के क्वेश्चन कई ऐसे हैं जो कि हमने नहीं पढ़े होंगे, मे बी कई क्वेश्चन ऐसे मिलने वाले हैं। अगर आपने पेपर सॉल्व नहीं किया है ये वाला तो श्योर आप पहली बार देखने वाले हैं कई क्वेश्चन। रेडी हैं सभी लोग? कमेंट करके यस बोल दीजिए अगर रेडी हैं तो। आज का जो खेला है रंगारंग कार्यक्रम वो हम शुरू करते हैं। यस बोल दीजिए, यस बोल दीजिए तो रंगारंग कार्यक्रम है आज का जो खेला है वो हम शुरू कर लेते हैं। ओके रेडी हैं सभी लोग? चलिए तो क्वेश्चन क्वेश्चन की जो सीरीज है वो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक चीज और, एक चीज और, आज का जो पेपर हुआ था ना, उस पेपर के लिए जिन बच्चों ने पहले से ही जो आंखें गड़ा के बैठे हुए थे पहले से ही, है ना, पेपर 11 बजे का था, तो उनसे कान पकड़ के सॉरी मांगता हूँ। मैं उनसे एक गड़बड़ हो गई थी आज वेबसाइट पर, बहुत सारे बच्चे एक साथ आ गए, जनरली बैंडविड्थ इतनी हमारी है नहीं, उसको बढ़वाया बैंडविड्थ को, गरीब आदमी है, हमको पता ही नहीं था कितने बच्चे एक साथ आ जाएंगे क्या तो वो वेबसाइट ना सर्वर जो है ना सर्वर बैठ गया, उस पर लोड ही नहीं ले पाया, तो बच्चों के टेस्ट ही नहीं खुल रहा था, वाइट स्क्रीन आ रही है थोड़ी देर में, फिर वाइट के अलावा, फिर क्योंकि वो टेस्ट का सिक्वेंस था कि पहला टेस्ट था फिर दूसरा था और तीसरा खैर अपलोड है ही नहीं, तो गलती से उसने ना वेबसाइट ने पहला टेस्ट ले लिया, फिर कॉल वॉल किया वेबसाइट वालों को, संडे था छुट्टी होती जनरली, फिर उनको कॉल वॉल करके सही करवाया वेबसाइट को, फिर जाकर के वो दूसरा टेस्ट स्टार्ट हुआ 5-7 मिनट बाद, तो इस वजह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, लेकिन बाद में सब कुछ सही चला था, परफेक्ट चला था बाद में, तो शुरू शुरू में कुछ गड़बड़ हो गई थी, बाकी सब कुछ सही था, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, चलो क्लास स्टार्ट करते हैं, मैं सॉरी बोल देता हूँ आप लोगों से, है ना, टेंशन मत लो, आप लोगों को 2 नंबर बोनस दे दूंगा मैं, है ना। चलिए, अरे RSMSC बोर्ड में भी 5-5, 6-6 क्वेश्चन गलत निकल जाते हैं, यहाँ तो फिर भी 1-2 क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई थी, ठीक है, ऐसे मत बोलो, पूरा पेपर भी गड़बड़ था, पहला पेपर खोल के दे दिया आपने तो सही हो गया था वो, है ना, वो मेरी मैं देखो मैं इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ एक्चुअल में, वो वेबसाइट लोड नहीं ले पाई है इसलिए, ठीक है। और PDF जो डाउनलोड करना है ना अगर आपको, तो वेबसाइट पर डायरेक्टली ऑप्शन आता है डाउनलोड का, एप्लीकेशन क्या शेयरिंग का ऑप्शन आता है, तो आप खुद को ही शेयर कर लो, आपके पास PDF आ जाएगी, है ना, ठीक है। नहीं क्वेश्चन नंबर जो उसमें था टॉस का जो क्वेश्चन था उसका भी डायग्राम था, सब कुछ था, पूरा था, एक्चुअल में क्या हुआ वो फेच डेटा फेच नहीं किया उसने, इस वजह से ऐसा हुआ, बाद में फिर उसको जब शेड्यूल किया सही तरीके से प्रॉपर किया तो सब कुछ सही हो गया था वो उसी समय हैंड टू हैंड, लेकिन जिसने पहले लॉगिन किया हुआ था ना उसको गड़बड़ हो गई थी। चलो बातें बाद में, क्लास स्टार्ट करते हैं, और आज का पहला सवाल है ना बातें बाद में करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन ये रहा आज का आपकी स्क्रीन पर, रेडी हैं सभी लोग? ये रहा पहला क्वेश्चन, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाखम बहुउद्देशीय परियोजना अव्यवस्थित है, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना जो है ये कहां पर है बताइए, जाखम बहुउद्देशीय परियोजना कहां पर है बताइए। देखो कुछ इंपॉर्टेंट परियोजनाएं हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर वन का जो आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी जितने बता रहे प्रतापगढ़, वो बिल्कुल सही है। देखिए जाखम बहुउद्देशीय परियोजना प्रतापगढ़ में, इससे रिलेटेड आप क्या क्या पॉइंट याद रख सकते हैं उसके बारे में भी समझ लो। देखो जाखम के बारे में एक पॉइंट तो ये याद रखना है आपको कि जाखम बहुउद्देशीय परियोजना प्रतापगढ़ जिले के किस गांव के या किस जगह के पास में है, तो अनूपपुरा के पास में ही है, तो अनूपपुरा अगर कहीं आ जाता है तो जाखम प्रतापगढ़ अनूपपुरा। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 81 मीटर का ये आपका क्या बनाया गया है यहाँ पर, बांध बनाया गया जाखम नदी पर। नदी कौन सी, तो जाखम है तो नदी भी आपको याद रखनी है कि नदी कौन सी, जाखम नदी ही है जिस पर यह बनाया गया है। जाखम कौन सी, ये वही जाखम है जो माही के साथ में मिलती है, माही सोम जाखम के बारे में हमने पढ़ा है ना, ये वही है, ठीक है। इसके अलावा जाखम नदी के ऊपर क्या है, विद्युत गृह का निर्माण भी यहीं पर किया गया है, ठीक है। और इसके अलावा इस पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के अलावा और क्या पॉइंट आपको याद रखना है वो भी समझ लो। आपसे क्वेश्चन बन सकता है मेजा बांध का, क्या बनेगा, मेजा बांध जो जनरली पूछा जाता है मेजा, तो मेजा बांध अगर पूछ लेगा तो मेजा बांध कहां पर है, भीलवाड़ा में, कहां पर है, भीलवाड़ा में मेजा बांध, तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट याद रखना। मेजा के अलावा पूछ लिया जाता है
कि भाई ये बताइए कि मेजा के अलावा क्वेश्चन जनरली जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है बंद बारेठा या बारेठा बांध का। तो ऑलरेडी हमने पिछले लेक्चर में भी देखा था, बारेठा बांध जो है क्वेश्चन अगर आता है तो आपको याद रखना है कि ये बारेठा गांव में है, कहां पर है, बयाना तहसील में, बारेठा में, और बयाना कहां है, भरतपुर में है। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये भी आप याद रख सकते हो। चलिए आगे चलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक एक और है चाकन, ये भी क्वेश्चन देखा है मैंने कहीं ना कहीं, चाकन का, चाकन सिंचाई परियोजना, ये चाकन सिंचाई परियोजना कहाँ है ये पूछ लेते हैं। तो चाकन का अगर क्वेश्चन आ जाता है कि चाकन या चाकण, चाकन या चाकण, तो ये है आपके है बूंदी में, कहां पर है, बूंदी में, ये कहां पर है मित्रों, ये बूंदी में। ये एक्स्ट्रा पॉइंट आप याद रख लेना, क्या पता क्वेश्चन फंस जाएगा तो यहां से काम हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन पर, बताइए शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण जो है किस जिले में, शेरगढ़, शेरगढ़ जो वन्य जीव अभ्यारण है ये कहां पर है बताइए, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण कहां पर है, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण। देखो वन्य जीव अभ्यारण की बात आती है तो शेरगढ़ के बारे में जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो जितने भी लोग 12 अगर बता रहे हैं 12 शेरगढ़ के बारे में, तो ये बिल्कुल सही है। अब शेरगढ़ के अलावा वही बंद बारेठा के बारे में भी पूछ लेते हैं, बताओ बंद बारेठा वन्य जीव अभ्यारण कहाँ है, तो बंद बारेठा कहाँ है, भरतपुर में ही है। बंद बारेठा के बारे में दो तरह क्वेश्चन बनते हैं, अभी बंद बारेठा बताया था मैंने, है ना, और फिर बंद बारेठा क्या, यहाँ पूछा जाता है किसके रेस्पेक्ट में, वन्य जीव अभ्यारण के रेस्पेक्ट में पूछ लिया जाता है। शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण कहाँ है, ये है आपका 12 में। और शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण का एक और बहुत फेमस क्वेश्चन है, क्या, सर्पों की शरण स्थली, सर्पों की शरण स्थली, ये इसको सर्पों की शरण स्थली भी बोलते हैं। और यहां से कौन सी नदी गुजरती है इस यहां से अभ्यारण से, आप कहेंगे सर परवन, कौन सी नदी है, परवन नदी है जो यहां से गुजरती है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। ओके, इसके अलावा एक और भी है, जैसे बंद बारेठा और शेरगढ़ आपने पढ़ लिया, इसके अलावा एक भी एक और याद रख सकते हो, कौन सा वाला, जो मैंने बताया था आपको गजनेर, कौन सा वाला, गजनेर, गजनेर भी बताया था मैंने आपको, गजनेर कहां पर है, तो गजनेर का अगर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कहेंगे सर बीकानेर में, कहां पर है सर, ये बीकानेर में है। और खास बात क्या है इस बीकानेर वाले गजनेर की, यहां पर आपको बटवट पक्षी जो है वो मिलता है, जिसको रेत का तीतर भी बोलते हैं, याद है, रेत का तीतर, ठीक है, रेत का तीतर भी बोलते हैं इसको, इंपीरियल सैंड जैसे बोल देते हैं, और क्या है यहां पे जंगली सुअर भी मिलते हैं। ओके, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री, दूध बावड़ी कहां स्थित है, दूध बावड़ी कहां है बताइए, दूध बावड़ी दूध बावड़ी कहां है बताइए, दूध बावड़ी जो है ये दूध बावड़ी कहां पर है, क्वेश्चन नंबर थ्री आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर थ्री, दूध बावड़ी जो है ये कहां पर है बताइए, दूध बावड़ी कहां है ये क्वेश्चन, तो दूध बावड़ी कहां पर है, क्वेश्चन नंबर थ्री जो है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर थ्री का सबसे पहला आंसर दिया है नरेंद्र जी ने, और नरेंद्र जी के साथ में शीतल जूनियर, बाईसा, अभिलेश मीणा, अजय मीणा, पलक, कुकू और बाकी के सभी बालक बालिकाएं, माउंट आबू जितने भी लोग बता रहे हैं, माउंट आबू बिल्कुल सही है। दूध बावड़ी कहां पर है, ये माउंट आबू में है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दूध बावड़ी वाला जनरली बावड़ी वाला मिस कर जाते हैं हम। अब सुनो, दूध बावड़ी के अलावा और कौन सी है, माउंट आबू सिरोही के अंदर ये है, और ऐसे ही अटपटे नाम और भी हैं जो आपको याद रखने। देखो एक तो नाम याद रखना है, क्या, छोटी काशी का नाम याद रखना है, छोटी काशी, छोटी काशी का नाम याद रखना है, छोटी काशी किसको बोलते हैं, छोटी काशी जो है ये बूंदी है ना, जनरली आपको पूछ लेगा छोटी काशी, छोटी काशी यानी बूंदी, बूंदी में क्या है बहुत सारी बावड़ियां हैं, तो बूंदी को क्या है, स्टेप वेल ऑफ सिटी भी, सिटी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि डग सागर तालाब कहां है, डग सागर तालाब कहां है, तो डग सागर तालाब अगर पता है किसी को तो बताओ मुझे, डग सागर तालाब जो है ये कहां है। और एक पॉइंट आपको याद रखना है कि ये तो याद ही होगा मेरे हिसाब से, तो आभा नहरी बावड़ी कहां है, आभा नहरी कहां है, दौसा में है। एक पूछा जाएगा ओसिया बावड़ी, ओसिया बावड़ी, और ओसिया बावड़ी के अलावा एक पूछा जा सकता है आपसे भीनमाल बावड़ी, भीनमाल तो नाम ही समझ गए होंगे आप, भीनमाल कहां है, भीनमाल तो जालौर में है, तो भीनमाल की भी याद रखना, ओसिया जरूर हो सकता है, थोड़ा सा परेशान कर दे आपको। तो डग सागर अगर पूछा जाए कि भाई डग सागर कहाँ है, तो डग सागर झालावाड़ में है, कहाँ है, झालावाड़ में है डग सागर। और ये ओसिया वाला जो है, ये ओसिया वाला अगर पूछ लेगा तो ओसिया कहां पर है, जोधपुर में है। ठीक है, तो ये तीन चार बावड़ियां और भी आसपास की, ये याद रखना आप। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर आपकी स्क्रीन पर, गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन है। अब क्यों इंपॉर्टेंट है और इजी क्यों है ये भी हम आपको बताएंगे।
बताइए फटाफट बताइए, कमेंट कीजिए कि गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित थे। तो गोविंद गिरी जो है, क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर अवलेश मीणा ने बताया सबसे पहले, और बहुत लोग गड़बड़ी कर चुके हैं इसका। लोग सोचते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, भील होगा। लोगों को लगता है इसका आंसर भील होगा, लेकिन जो पढ़ा लिखा है, जिसने अच्छे से पढ़ा है, उसको पता है कि आंसर क्या होता है, बंजारा परिवार। उनका जन्म जो है किस परिवार में हुआ था? बंजारा परिवार में हुआ था। भील परिवार में क्या है? नहीं हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बंजारा परिवार होगा। बंजारा परिवार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। अब इनके इनसे रिलेटेड और भीलों से रिलेटेड दोनों के बारे में सुनिए। देखो, एक आपने नाम सुना होगा सुरजी भगत का। क्या नाम सुना होगा? सुरजी भगत। ये नाम याद रख लेना, एक तो सुरजी भगत, गोविंद गुरु या गोविंद गिरी दोनों के नाम से जानते हैं इनको, है ना। ये सुरजी भगत और गोविंद गुरु दोनों 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 के दोनों कौन थे? ये भीलों के लिए समाज सुधारक के रूप में इन्होंने काम किया, समाज सुधारक के रूप में, धर्म गुरुओं के रूप में इन्होंने काम किया, और समाज में बहुत सारी चेतना है उनका, इन्होंने क्या किया था, प्रसार किया था, बहुत सारी चीजें हैं, जागरूकता अभियान वगैरह चलाए। इनके अलावा एक नाम था संत मावजी। क्या नाम था? संत मावजी। तो ये तीन नाम है, संत मावजी, गोविंद गुरु, सुरजी भगत। दक्षिण दक्षिण राजस्थान के रेस्पेक्ट में ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम थे तीनों के तीनों। फिलहाल हम बात कर रहे हैं किसकी? गोविंद गुरु, गोविंद गिरी जी की। तो इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1858 को। इनका जन्म हुआ था कहां पर? बंजारा परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनसे रिलेटेड आपको जो पॉइंट याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो ये है कि इन्होंने 1883 में एक सभा बनाई थी, 1883 ईस्वी में एक सभा बनाई थी, जिसका नाम क्या था? संप सभा। संप सभा, संप सभा बनाई इन्होंने, ठीक है। इन्होंने क्या किया? संप सभा का निर्माण किया था इन्होंने, गोविंद गुरु 1883 में। कहाँ किया था इन्होंने? अगर याद रखना हो तो सिरोही में। कहाँ किया था? सिरोही में। तो एक तो ईयर याद रखना है कि कब, 1883 में। इसके बाद में क्या होता है? अच्छा, संप का मतलब क्या होता है? संप का अगर कोई मतलब पूछना कि संप सभा का नाम संप क्यों रखा, संप का मतलब ये था, संप का मतलब होता है कि मेल मिलाप या दोस्ती, प्रेम, भाईचारा, संप का मतलब। अच्छा, गोविंद गुरु जो है ना, इन्होंने संप जब ये चलाया, ये आंदोलन जब चल रहा था, तो इसका जो गोविंद गुरु जी का पहला अधिवेशन हुआ था, वो पहला अधिवेशन कब हुआ था? ये ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहला अधिवेशन हुआ था 1903 में, ठीक है। 1903 में इनका क्या हुआ? पहला अधिवेशन हुआ, मतलब 83 में तो बन गया, 83 में, और 1903 में इनका क्या होता है मित्रों? इनका होता है पहला अधिवेशन। अब क्या होता है, प्रतिवर्ष इन्होंने ये किया कि प्रतिवर्ष हर साल क्या होता है कि 17 नवंबर को, है ना, इन्होंने क्या किया, हर बार की तरह, हर साल की तरह इन्होंने क्या है कि ये बनाने स्टार्ट किया अधिवेशन। फिर क्या होता है कि 1913 वाला जो अधिवेशन था, 1913 ईस्वी में जो अधिवेशन हुआ था, वहां पर गड़बड़ हो जाती है। कौन सी जगह थी? मानगढ़ पहाड़ी। कौन सी थी? मानगढ़, मानगढ़ पहाड़ी, मानगढ़ जो पहाड़ी है, इस पहाड़ी की बात है। मानगढ़ पहाड़ी पर 1913 में क्या है, अधिवेशन चल रहा था इनका। और अगर कोई पूछ ले दिन कौन सा था, तो मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा का दिन था। गोविंद गुरु जी वगैरह जो है, और बाकी लोग जो वहां पर उपस्थित थे, प्रवचन वगैरह दे रहे थे, बाकी वो प्रमोट मोटिवेट वगैरह कर रहे थे, उसी समय क्या है, अंग्रेजों के द्वारा गोलियां वगैरह चलाई जाती हैं, और 1500 लगभग, ये कहा जाता है कि लगभग 1500 भील मारे गए थे उसमें। तो ये जो घटना है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि घटना कहाँ की है, तो मानगढ़ की है। कब की है? 1913 की है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए, ओके। अच्छा, मानगढ़ पहाड़ी जो है, ये मानगढ़ कहाँ पे है, कौन से जिले में है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये कमेंट करके बताइए कि मानगढ़ जो है, ये मानगढ़ है कहाँ, मानगढ़ पहाड़ी का जो है ये कहाँ पड़ती है, बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, बताइए बताइए। बांसवाड़ा जितने बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अब बताइए क्वेश्चन नंबर जो है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5 इंग्लिश वाले भी देख लो, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहां लिखा हुआ है मालपुरी, मालपुरी लिखा हुआ है, और मालपुरी में लिखा हुआ है भैंस, तो ये क्या है, ये हो जाएगा आपका गलत। बाकी नाली भेड़ होती है, नागौरी गाय भी होती है, बैल भी होते हैं, नागौरी शेखावाटी का होती है, बकरी होती है, तो भैंस जो है, भैंस का लिखा हुआ है मालपुरी, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मालपुरी जो है वो भैंस नहीं होती है। तो अब सवाल ये बनता है कि बताओ कि भैंस की जो है वो भैंस किसके होते हैं, और ये जो मालपुरी है, मालपुरी क्या है, और मालपुरी में है क्या? मालपुरी अनुसंधान केंद्र है, मालपुरी अनुसंधान केंद्र आपको पता हो तो, ठीक है। मालपुरी में क्या है? अनुसंधान केंद्र है, जगह का नाम भी है मालपुरी। और अगर कोई पूछ ले कि ये किस चीज की है, तो ये उसकी प्रजाति, जिसकी प्रजाति है, ये है जो मैं बता रहा हूँ, नाली, मगरा, पूगल, जैसलमेरी, मारवाड़ी, खैरी, चोकला, उसी की प्रजाति क्या है, मालपुरी है। अब क्वेश्चन आता है भैंस का, कि भाई साहब भैंस की कौन कौन सी है, तो भैंस की एक तो आपको याद रखनी है कौन सी नस्ल, सबसे इंपॉर्टेंट एक तो मुर्रा,
जाफराबादी, मैसाणी, सूरती, भदावरी, नागपुरी, ये सभी याद रखनी, काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, और सर्वाधिक जो राजस्थान में जो सर्वाधिक जो भैंसें पाई जाती हैं वो मुर्रा भैंसें, वो कहाँ पाई जाती हैं? पाली में पाई जाती हैं, आपका देखना, मुर्रा भैंसें। ओके चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर यानी कि पास में राजस्थान में कौन सा बांध है? चूलिया जलप्रपात के पास में कौन सा बांध बना हुआ है? क्वेश्चन नंबर 6, ये ऑलरेडी कल मैंने डिस्कस किया था। तो राणा प्रताप है, राणा प्रताप सागर बांध है, ये बना हुआ है। और राणा प्रताप किस पर है? चंबल नदी पर है। किस पर है? चंबल नदी पर है। और यहां पर क्या है? ये चूलिया जलप्रपात है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, बैथली लघु सिंचाई परियोजना अवस्थित है। ये बैथली लघु सिंचाई परियोजना ये कहां पर है? क्वेश्चन नंबर आपके है 7, क्वेश्चन नंबर 7 का बताइए, बैथली कहां पर है? बैथली जो सिंचाई परियोजना है, ये बैथली सिंचाई परियोजना कहां पर है? तो ये है मित्रों कहां पर? बारा में है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। बैथली सिंचाई परियोजना का यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, कम याद रहता है लोगों को बैथली का, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर, बताइए निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है? राजस्थान का दक्षिणतम भाग है, दक्षिण में बताना है। अब आपको पता है, अगर आपको एक रफली डायग्राम बनाना हो, पतंग के जैसा बना सकते हो, आप बोलेंगे सर ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है, और ये कौन सा है? ये दक्षिण है। तो आपको, आपसे पूछा गया किसके बारे में? दक्षिण के बारे में, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है इस तरफ का। आप बता सकते हैं कुशलगढ़ है, घाटोल है, या भागीदोरा है, या गढ़ी है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 8 का होगा कुशलगढ़। कुशलगढ़ जितने भी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। देखो राजस्थान की अगर बात की जाती है ना, तो राजस्थान का पूरा मैप है। अब इस पूरे के पूरे मैप में बात करते हो, तो ये आपका क्या है? ये आप कहेंगे सर ये वाला जो हिस्सा है ये तो है पूर्व, ये है पश्चिम, और ये है उत्तर, और ये नीचे की तरफ क्या हो जाएगा? दक्षिण हो जाएगा। अब फिलहाल हमारा जो पूरा का पूरा जो अपना दारोमदार है वो है दक्षिण की तरफ। तो दक्षिण में सबसे लास्ट में क्या दिख रहा है आपको? दक्षिण में दिखाई दे रहा है बांसवाड़ा, यानी कि बांसवाड़ा में कोई एक जगह होगी जिसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। अब इसके बारे में भी सुन लो, तो जो सबसे लास्ट में है आपके वो कौन सा है? दक्षिणतम पॉइंट जो है वो बांसवाड़ा में है। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए लेटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में कि भाई कितने कितने डिग्री वैल्यू बनती है, तो यहाँ पर जो पॉइंट आता है वो कितना आता है? 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, यहां जो पॉइंट है आपका पश्चिम में एकदम लास्ट लास्ट वाला जो पॉइंट है वो है आपका 69 डिग्री 30 मिनट है, और ये पूर्वी देशांतर है। ठीक है, ऊपर वाला अगर हम बात करते हैं कि भाई उत्तर जो है, उत्तर ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया, अब उत्तर, उत्तर वाला जो पॉइंट है इसके वैल्यू कितनी है? तो यह है 30 डिग्री 12 मिनट। कितनी है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, अक्षांश, ये अक्षांश की वैल्यू हो गई। ये पहले मैंने देशांतर बताई, और दक्षिण में अगर कोई पूछे तो दक्षिणतम जो पॉइंट है इसका जो अक्षांश है वो है 23 डिग्री 3 मिनट। अब ये 3 मिनट को 03 लिख लो या 23 डिग्री 3 मिनट लिख लो, 3 मिनट है, लेकिन ये ध्यान रखना 30 नहीं है ये। अच्छा, इसके ऊपर एक पॉइंट आता है, ये वाला जो पॉइंट आता है, ये जो लाइन आती है ये कौन सी है? ये है कर्क रेखा। कौन सी है? कर्क रेखा है। और कर्क रेखा में ये याद रखना है कि कर्क रेखा का ये जो पॉइंट आता है वो आता है 23 डिग्री ये 30 मिनट है, 23.5 डिग्री जो लाइन है वो है आपकी कर्क रेखा। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई साहब पूर्व से पश्चिम की जो लंबाई है वो कितनी है, तो वो है 869। कितनी है? 869 किलोमीटर है। और अगर पूछ ले कोई दक्षिण और उत्तर और दक्षिण के बीच की जो लंबाई वो कितनी है, तो वो है आपके 826 किलोमीटर। ये क्वेश्चन जनरली पूछे जाते थे, आपको पता होना चाहिए। राजस्थान जो है, इस राजस्थान के पास में बहुत सारे राज्य हैं जिनसे इनकी सीमाएं लगती है, वो कौन कौन से हैं? तो ये क्वेश्चन बनता है, तो ऊपर तो आपके पंजाब है, पंजाब से नीचे आते हैं तो क्या आ जाता है? हरियाणा, हरियाणा से नीचे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे आ जाता है मध्य प्रदेश, और नीचे क्या आ जाता है? यहाँ पे आ जाता है गुजरात। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की अगर बात करते हैं तो वो बनाता है पाकिस्तान के साथ में। तो ये मैप, मैप के हिसाब से भी थोड़ा बहुत याद रखना, बाकी काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाएगी 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका अपवाह तंत्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, बताइए। अपवाह तंत्र और ये पहाड़ियों वाला जो क्वेश्चन है उसे मिला जुला क्वेश्चन है कि भाई अपवाह तंत्र है जो है, ये नदियाँ किसी न किसी पहाड़ी से निकलती हैं, तो इनका उद्गम स्थल है, तो बताइए कौन सी नदी किस पहाड़ी से निकलती है, उसके हिसाब से आपको बताने का कौन सा सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर है, बताइए 9 का करेक्ट आंसर बताइए। बनास नदी खमनौर की पहाड़ियां, बाणगंगा बैराट, कांतली नदी जो है खंडेला, और काकनी नदी जो है वो कुंभलगढ़ पहाड़ी, बताइए कौन सा सही होगा।
नाइन का है काकने नदी जो है, काकनी नदी जिसको बोलते हैं, काकने को ही काकनी बोलते हैं। इसका उद्गम स्थल जो लिखा हुआ कुंभलगढ़ की पहाड़ियां लिखा हुआ है, जबकि इसका उद्गम जो है होता है काकने का, वो कहाँ होता है, वो होता है जैसलमेर में। कहाँ होता है? जैसलमेर में होता है। और जैसलमेर में भी अगर पूछ लिया जाए तो कोटड़ी गांव है। कौन सा है? कोटड़ी गांव। कोठड़ी या कोटड़ी दोनों तरीके से लिखा जाता है, या तो कोठड़ी मिलेगा या कोटड़ी मिलेगा। ये कहां पर है? ये जैसलमेर में। अब जैसलमेर में बहती हुई क्या करती है? ये वहीं बहती है जैसलमेर में, और जैसलमेर विलुप्त हो जाती है। अपवाह तंत्र की अगर बात करते हैं, आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है। कौन सी? आंतरिक, आंतरिक अपवाह तंत्र की ये नदी है। इसकी लंबाई बात करें तो बहुत कम लंबाई, सबसे छोटी नदी है ये, 17 किलोमीटर की लंबाई। अपवाह तंत्र में सबसे छोटी नदी यही है, जिसकी लंबाई कितनी? 17 किलोमीटर की है बस। इस काकने नदी को और भी नामों से जाना जाता है, जो एग्जाम में पूछा भी गया है। वो नाम क्या क्या है, इसके नाम भी लिख लो, जब इतना खर्चा हो गया है तो मालिक थोड़ा बहुत खर्चा कर ही सकते हैं। वो कौन सी है? मसूरदी नदी, ये इसी का नाम है। और काकनेय, काकनेय या काकनी, ये इसी के नाम है। ठीक है, तो ये दो चार क्वेश्चन है, ये बन जाते हैं, ये पता होने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं। क्वेश्चन नंबर टेन कहां, कौन से चक्रवात है जिनकी वजह से हमारे शीतकालीन वर्षा होती है? शीतकालीन वर्षा को मावठ कहते हैं। क्या कहते हैं? मावठ कहा जाता है। और ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, मावठ जो है, मावठ शीतकालीन वर्षा को कहा जाता है। ये पश्चिमी विक्षोभों की वजह से होती है, जो कि आपके भूमध्य सागर जो है, उस भूमध्य सागर में उठते हैं। किसमें उठते हैं? भूमध्य सागर में उठते हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर। बताइए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खनिजों से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? फिर से नहीं वाला क्वेश्चन पूछ लिया, कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 गोल्डन ड्रॉप फॉर वीट कहा जाता है। अभिलेश मीणा ने कहा है भाई मावठ को, तो बिल्कुल सही कहा है। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पलक जी ने सबसे पहले आंसर किया है क्वेश्चन नंबर 11 का। नीमला रायसेला नागौर में दिया हुआ है, और जबकि अगर हम बाकियों की बात करते हैं तो बागोली सराय पचलंगी है, जो आपके झुंझुनू में है। चौमू जयपुर के पास पड़ता है, चौमू सामोद में हनुमान जी का मंदिर भी है। लोहारपुर आपके बूंदी में पड़ता है। तो ये जो है लोहो एस के लिए दिया हुआ है कि नीमला रायसेला जो है नागौर में, ये गलत है लोहे के लिए। ठीक है, तो लोहे के लिए गलत है। अब क्वेश्चन बनता है कि लोहा जो है, लोहे की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में लोहे की कौन कौन सी किस्में हैं जिनसे लोहा निकाला जाता है? तो वो याद रखना, एक तो है आपका हेमेटाइट, और एक दूसरा है आपका मैग्नेटाइट। ये दो किस्में हैं, खास करके हेमेटाइट जो है ये लगभग 75% है, और इसका प्रतिशत 25% ही है जो निकाला जाता है। क्वेश्चन बनता है कि बताइए राजस्थान में कौन सा लोहा जो है निकाला जाता है ज्यादातर, तो उसका आंसर क्या हो जाता है? हेमाटाइट हो जाता है ना। अब आपको क्या याद रखना है, राजस्थान में या राज्य में लोहे के सर्वाधिक जो भंडार है वो है मोरिजा बानोल, जो कि जयपुर के आसपास पड़ता है। मोरिजा बानोल कहां पड़ता है? चौमू जयपुर के आसपास पड़ता है। रायला जो ये क्वेश्चन था, रायला वाला, ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है दौसा में। तो दौसा वाले खुश हो गए, इसीलिए दौसा वालों ने सबसे पहले जवाब दिया है ना, तो ये पड़ता है दौसा में। एक नीम का थाना भी है, नीम का थाना नाम कैसे पड़ा मुझे आज तक नहीं पता, किसी को पता हो तो बताना, नीम का थाना को नीम का थाना क्यों बोलते हैं ना। तो ये जो है नीम का थाना, ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है सीकर में। सीकर है जो है, ये सीकर में पड़ता है। एक है नाथरा की पालो थू रिंड नाथू आथू नहीं नाथू ठीक है नाथरा की पाल और थूर हुंडेर, ये पड़ता है आपके कहां? उदयपुर में। ये कहां पर है? ये उदयपुर में। ये इंपॉर्टेंट है, लोहे से रिलेटेड सारे याद रख लेना, ठीक है? ये काफी इंपॉर्टेंट है ना, बड़े बड़े जितने हो सकते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए आगे चलते हैं, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? टेलीग्राम पर भी ये क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे, टेलीग्राम पर भी पूछा था, बताओ बताइए। क्वेश्चन नंबर करेक्ट इंग्लिश वाले भी देख लो, क्वेश्चन नंबर 12।
तो सबसे छोटा जो है वो कौन सा है? आद्र दक्षिणी मैदान, ऑप्शन नंबर बी। जितने भी बता रहे हैं बिल्कुल सही है, आद्र दक्षिणी मैदान जो है ये छोटा कृषि जलवायु प्रदेश है ना। ये जलवायु का क्वेश्चन नहीं है, ये कृषि जलवायु प्रदेशों का क्वेश्चन है, ये टॉपिक थोड़ा अलग है, तो गलती मत कर देना। क्वेश्चन नंबर 13, झामर कोटड़ा खान है किसके लिए जानी जाती? झामर कोटड़ा किसकी खान है? झामर कोटड़ा किसकी खान है बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, झामर कोटड़ा किसकी खान है बताइए। झामर कोटड़ा, झामर कोटड़ा क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। जितने भी बता रहे हैं कि सर रॉक फास्फेट की है, तो बिल्कुल सत्य वचन है आपके, ये रॉक फास्फेट की है। इससे क्या किया जा सकता है? रासायनिक खाद बनाया जाता है। और ये झामर कोटड़ा जो है रॉक फास्फेट की, ये कहां पर है? ये उदयपुर में, कहां पर है ये? उदयपुर में स्थित है, उदयपुर। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इसके अलावा झामर कोटड़ा जो है इसको 1999 में इनको क्या है, सर्वश्रेष्ठ खाद्यान्न पुरस्कार जो है वो भी मिल चुका है। इसके अलावा उदयपुर, उदयपुर के अलावा अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसका एक बांसवाड़ा भी है, बांसवाड़ा में सलोपेट क्षेत्र है, वहां से भी निकाला जाता है इसको। जयपुर जो है, जयपुर का आपका अडवानी करके है, अडुका अडवानी है ना, वो भी एक जगह है। जैसलमेर में आपके फतेहगढ़ है, लाठी क्षेत्र है, बिरमानिया है, वो भी जगह। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो रॉक फास्फेट के लिए वो है झामर कोटड़ा। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। और ये रहा आपका पहला सवाल, पहला मतलब नेक्स्ट सेशन का पहला, क्योंकि अब मैं जल ग्रहण करूंगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर बताइए। 14 का करेक्ट आंसर थानथवेट जलवायु के बारे में क्वेश्चन है, जलवायु का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 का। जितने भी लोग ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि थानथवेट के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर जो है, ये जैसलमेर कहां पड़ता है? तो जैसलमेर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका कि सर ईएडी जो है, इस ईएडी में आता है आपका। कहां आता है? ईएडी में। अब क्वेश्चन क्या है, यहां से क्वेश्चन ये भी बन जाते हैं कि जब इनका वर्गीकरण जब किया जा रहा था तो ये वर्गीकरण किस किस बेसिस पर किस किसने किया था। ठीक है, अलग अलग आ जाते हैं। जैसे कोपेन आता है, कोपेन ने चार भागों में बांटा था। किसने? कोपेन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोपेन ने क्या है, चार भागों में बांटा था इनको। और कोपेन ने क्या कहा था? उन्होंने ये कहा था कि वनस्पति जो है ना, वनस्पति इनके बेसिस पर मैं क्या कर रहा हूं, वनस्पति के बेसिस पर मैं क्या कर रहा हूं, इनको डिवाइड कर रहा हूं अलग अलग भागों में। ठीक है ना, वनस्पति जो है इन्होंने वनस्पति को मुख्य आधार माना था। ठीक है, और उन्होंने ये कहा था कि भाई वनस्पति जो है ना, वनस्पति के द्वारा ही किसी स्थान पर वर्षा और आपके तापमान वगैरह जो है ये इंडिकेट किए जा सकते हैं, या इन्हीं चीजों पर ये डिपेंड करता है, उन्होंने ये कहा था। इसके अलावा हमारा अभी थानथवेट का क्वेश्चन है, तो इसी को डिस्कस कर लेते हैं, बाकी बाद में करेंगे। तो देखो अब इसके बारे में अगर क्वेश्चन बनता है तो ध्यान रखना, इन्होंने क्या किया था, थानथवेट ने जो वर्गीकरण जब माना था, इन्होंने कहा था कि भाई वनस्पति है, आधार वनस्पति है। उन्होंने वनस्पति को आधार माना, लेकिन वनस्पति के साथ में उन्होंने एक चीज और ऐड की थी। उन्होंने क्या बोला था कि भाई वनस्पति तो है ही है, लेकिन वहां पर वाष्पीकरण जो है ना, वाष्पीकरण की क्या मात्रा है, कैसा क्या है, वो भी इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है ना। और त्रिवार्ता ने वर्षा को मान लिया था, कि त्रिवार्ता ने यह कहा था, कि त्रिवार्ता ने कहा था कि वनस्पति और वर्षा दोनों को इंक्लूड किया जाए। तो ये वर्षा वाला जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ये इन्होंने यहां माना था। ठीक है, तो वनस्पति, वनस्पति को इन्होंने काम में लिया, और साथ ही साथ में वाष्पीकरण की मात्रा कौन सी उसको भी ध्यान में रखा। और इन्होंने इस बेसिस पर क्या किया, इन्होंने जो डिवाइडेशन किए वो कुछ ऐसे थे। देखो कौन कौन से थे, सी ए डब्ल्यू, डी ए डब्ल्यू, डी बी डब्ल्यू, और चौथा था तुम्हारा ई ए डी। अब समझना सी ए डब्ल्यू का मतलब क्या होता है। सी ए डब्ल्यू का मतलब होता है अर्ध शुष्क जलवायु या उष्ण आर्द्र जलवायु। डीबी का मतलब क्या होता है, डीबी का मतलब हो जाता है आपके मिश्रित जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु। ठीक है ना, मिश्रित कह सकते हो या अर्ध शुष्क आप कह सकते हो। जबकि ऊपर वाली क्या थी, ऊपर वाली जो मैंने बताया वो थी आपके अर्ध शुष्क लेकिन उष्ण, उष्ण उष्ण जो होती है, उष्ण आर्द्र जलवायु, उसमें कैटेगरी में डाला। जबकि डीबी की बात कर लेते हैं, और सीए की बात, सॉरी सीए जो है ना, सॉरी गलत बता रहा हूं, सीए जो था ना, सीए, सीए को तो इन्होंने इसमें आता है उपआर्द्र में, उपआर्द्र में, उपआर्द्र, उपआर्द्र में या आर्द्र शुष्क में।
आद्र शुष्क में इन्होंने रखा था इसे, है ना, उपाद्र में या आद्र शुष्क में रखा था, और इसके अंदर किस किस को रखा था, सीए इसमें इसमें रखा था दक्षिण को, जो दक्षिण राजस्थान था उस दक्षिण को रखा था इन्होंने। अगर मैं राजस्थान का नक्शा ऐसे बनाता हूं तो इन्होंने क्या किया था, ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा था ये इन्होंने क्या किया था, इन्होंने कहा था सी ए डब्ल्यू है ये सी ए डब्ल्यू ये कहा था। जबकि डीए की अगर मैं बात करता हूं तो ये डीए वाला जो हिस्सा था वो कौन सा था, वो था आपके डीए डब्ल्यू वाला जो पूर्व में पड़ता है, कहां पर पड़ता है, पूर्व वाला हिस्सा, पूर्व वाला जो हिस्सा था उसमें इन्होंने रखा था डीए वाला, जिसमें आपके क्या आ जाता है, उष्ण आर्द्र जलवायु आ जाती है। इसके अलावा जो डीबी वाला था, डीबी डब्ल्यू, ये डीबी डब्ल्यू कौन सा था, डीबी डब्ल्यू वाला था आपके टॉप वाला जो है ना, ये वाला हिस्सा था, ये वाला हिस्सा, इसमें रखा था डीबी डब्ल्यू को। बाकी एक बार लेक्चर देख लेना, उसमें ज्यादा कंफर्म होगा, अभी मैं थोड़ा मोटा मोटा बता रहा हूं। अब ये जो पश्चिम वाला बचा है जो हमारा कंसर्न है, ये जो था जैसलमेर जिसमें आ जाता है वो आता है ई ए डी। अब ई ए डी जो है इसमें पश्चिमी राजस्थान जो है, ये ई ए डब्ल्यू जो था, ई ए डी जो था ये इसी में आता है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है शुष्क, है ना, शुष्क उष्ण जलवायु, जिसे मरुद्वीप जलवायु प्रदेश भी कहते हैं, जिसमें आपका पश्चिमी बाड़मेर भी आता है, बीकानेर आता है ना, और आपके पश्चिमी जोधपुर आता है और जैसलमेर पूरा का पूरा आता है। बारिश कितनी होती है, 10 से 15 सेंटीमीटर बारिश होती है, कितनी, 10 to 15 सेंटीमीटर ओनली यहाँ पर बारिश होती है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यहाँ पर क्या है, क्या होता है, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और शुष्क है, ये इलाका कैसा है, शुष्क है, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट है, ये आप याद रखना इससे रिलेटेड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो याद रखना ईएडी कौन सा है, दक्षिण वाला है, वो पश्चिम वाला है, जहां पर आपके कौन सा आ जाता है, जैसलमेर, ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि है राजस्थान के किस जिले में उष्ण कटिबंधीय शुष्क कटीले वन पाए जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अब उष्ण कटिबंधीय जलवायु है और कटीले जो है आपके वन पाए जाते हैं, तो ये कहां होगा, तो ये भी आपके कहां होगा, जैसलमेर में होगा, पश्चिमी जो है मरुस्थल वाला एरिया वहां पर होता है ये, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में, क्वेश्चन नंबर 16 है राजस्थान सरकार के वन विभाग द्वारा जारी जिलों हेतु निर्धारित वन्यजीव शुभंकर के गलत युग्मों को पहचानिए। हर जिले का क्या है, वन्यजीव शुभंकर है, तो इनमें से गलत कौन सा बताइए, अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, जालौर, बताइए। क्वेश्चन नंबर इंग्लिश वाले भी देख लो, शुभंकर जो है, शुभंकर का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, मस्कट दिए हुए, वाइल्ड लाइफ मस्कट दिए हुए, क्वेश्चन नंबर 16 में बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अलवर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अलवर, अलवर का गलत दिया हुआ है, बाकी भीलवाड़ा का मोर है, भरतपुर का सारस है, और जालौर का क्या है, भालू है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन, अच्छा ये बताओ अलवर का है क्या, अलवर का क्या है बताना एक बार, शुभंकर, अलवर का शुभंकर क्या है, अलवर का जो शुभंकर है मुझे एक बार बताइए क्या है, अलवर का गलत तो दिया हुआ लेकिन अलवर का है क्या, क्योंकि अलवर का जो शुभंकर होता है वो उसका नाम बड़ा अजीब सा है, मैं कभी मैंने देखा नहीं उसको, बताओ बताइए अलवर का क्या है शुभंकर, अलवर का जो है वो सांबर है, सांबर में, सांबर में और ये जो हिरण होता है इसमें फर्क क्या होता है, मेरे को फर्क समझ में नहीं आया, चलो जो भी है लेकिन नाम याद रख लेना, अब फर्क समझ में आया नहीं आया, नंबर आने जरूरी है, अगर नंबर नहीं आया तो सोसाइटी और जो आसपास के जो लोग हैं ना वो फर्क समझा देंगे फिर आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अच्छा एक पूछता हूं उसका पूछो, प्रतापगढ़ का क्या है, प्रतापगढ़ का शुभंकर क्या होता है, कुछ लोग तो शुभंकर ही नहीं पता, शुभंकर क्या, प्रतापगढ़ का बताओ, प्रतापगढ़ का क्या है, प्रतापगढ़ का क्या बताना, शुभंकर मतलब ऐसे होता है कि हर हर जिले को क्या है, एक एक जानवर दे रखा है कि भाई साहब ये जानवर जो है ना ये आपका आपका जो है ना आपका जो जिला है इस जिले का ये शुभंकर, इसका आपको ध्यान रखना है प्रॉपर वे में, इसका संरक्षण करना है। उड़न गिलहरी जो बता रहे बिल्कुल सही है, उड़न गिलहरी जो है वो सही है, उड़न गिलहरी जो है वो सही है, चलिए बहुत बढ़िया। और झालावाड़ का गागरोनी तोता क्वेश्चन आया हुआ, झालावाड़ का,
झालावाड़ का गागरोनी, तोता। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 17 में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। लिफ्ट नहर दी हुई है, लिफ्ट नहर के हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ, बताइए। लिफ्ट नहरें दी हुई है, लिफ्ट नहरों के हिसाब से आपको बताना है करेक्ट आंसर क्या होगा। और लिफ्ट नहरों के बारे में काफी क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको इसमें। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 17 का फलोदी जो लिखा हुआ है, फलोदी बीकानेर और जैसलमेर। आ गलत पूछा है, सुनो, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है कि इनमें से किसका गलत है, गलत पूछा, गलत गलत कौन सा बताइए। सी सही है क्या? कालू काठाराम जी मेरे को ठीक लग रहे हैं, बाकी लोग गलत रास्ते पे जा रहे हैं। एक बार चेक कर लो, एक बार ढंग से देखो, ढंग से देखो फिर बताओ। 17 का देख लो, अभी भी हाथ में ही है अपने, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताने लग गए अब तो, पहले ठीक था, आसपास तो थे। फलोदी जो है ना, फलोदी क्या बताया था फलोदी के बारे में? क्या फलोदी जो है, ये फलोदी पुराना नाम है इसका, जब न्यू नामकरण जब किया गया था, कल ही तो बात की थी, नया नाम क्या रखा था? गुरु जाम्बेश्वर। क्या रखा गया था? गुरु जाम्बेश्वर रखा गया था। और ये कहाँ कहाँ थी? गुरु जाम्बेश्वर जो है ये कहाँ कहाँ प्रोवाइड करती है? मेनली प्रोवाइड करती है आपके, एक तो जैसलमेर में, ठीक है, और जैसलमेर के साथ साथ में कहाँ प्रोवाइड करती है? ये जोधपुर में प्रोवाइड करती है। कहाँ पर करती है? जोधपुर में प्रोवाइड करती है। लेकिन जैसलमेर में तो करती ही है, तो जैसलमेर ऑप्शन में दिया हुआ है, लेकिन बागड़ सर तो बिल्कुल ही गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। समझ गए? अरे फलौदी जो है जोधपुर और जैसलमेर दोनों में ही है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आ जाइए 18 में। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरागत विधि नहीं है? कौन सी परंपरागत जो है वो विधि नहीं है? नाड़ी, नाली, टोबा या जोहड़, बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा। जोहड़, टोबा, नाड़ी ये तो है, लेकिन 18 में नाली जो है, ये नाली नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 19। राज्य या राजस्थान सरकार की सड़क तंत्र के विकास के लिए दीर्घकालीन जो योजना है वो कौन सी है? क्वेश्चन नंबर आपका 19, क्वेश्चन नंबर 19। तो दीर्घकालीन योजना है वो है राजस्थान रोड विजन 2025। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपका क्वेश्चन नंबर 20। बताइए राजस्थान, राजस्थान का नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 20, वृक्ष महोत्सव खेजड़ली मनाया जाता है, जोधपुर में मनाया जाता है, ये तो हम देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 21, केंद्रीय शुष्क बागवानी कहां पर है? ये है आपका बीकानेर में। केंद्रीय शुष्क बागवानी जो संस्थान है वो कहां पर है? वो बीकानेर में है। क्वेश्चन नंबर 23, करेक्ट आंसर बताइए। राजस्थान का बीकानेर जिला कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में? देखो कृषि जलवायु का फिर क्वेश्चन आ गया, जबकि है छोटा सा टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 23 गलती मत करना, क्वेश्चन नंबर 22 गलती मत करना। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि भाई कृषि जलवायु प्रदेश जिसमें बीकानेर रहता है वो कौन सा है? वन सी है, जिसको कहा जाता है उच्च शुष्क एवं सीमित सिंचाई मैदान। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ चलते हैं। ये रहा 23 आपकी स्क्रीन पर। बताइए मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों से संघर्ष करने के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? क्वेश्चन नंबर, मारवाड़ के चंद्रसेन है, ये चंद्रसेन कहां के? मारवाड़ के हैं, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि मारवाड़ का जो प्रताप है, जो कहा जाता है, वो किसे कहा जाता है? चंद्रसेन को कहा जाता है। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं मैं? भाई चंद्रसेन को प्रताप कहते हैं कि नहीं कहते मारवाड़ का? देखो आपके मारवाड़ में राव मालदेव, तो मालदेव राठौड़ के बारे में और चंद्रसेन के बारे में
इनके बारे में तो आपको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। जोधा के बारे में थोड़ी बहुत हो तो जो भी वो भी ठीक है, लेकिन चंद्रसेन के बारे में तो होनी ही चाहिए। चंद्रसेन का समय कौन सा था? चंद्रसेन का समय था आपके 1560-62 से लेकर के 1580-81 के आसपास तक का इनका समय था। ठीक है, ओके। राव मालदेव के पुत्र थे कि नहीं थे ये? राव मालदेव जो है उनके ये पुत्र थे। राव मालदेव के और भी पुत्र थे है ना, लेकिन उनकी जो पत्नी थी, जो रानी थी, रानी के कहने पर उन्होंने क्या किया कि भाई साहब राव चंद्रसेन को बिठाया गद्दी पर। ठीक है, और कहा यह भी जाता है कि भाई साहब राव चंद्रसेन जो है इनका जन्म 1541 में हुआ था, और इनका जो बड़ा भाई था है ना, बड़ा भाई था, उसको गद्दी पर नहीं बिठाया। तो उसने क्या किया था कि उसने मतलब कि विद्रोह वगैरह किया, तो उसको राजद्रोह के अपराध में उसको जेल में वगैरह में डलवा दिया था, ऐसा कहते हैं। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है उसने गद्दी हथियाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ था। इसके अलावा चंद्रसेन जो है, इस चंद्रसेन ने क्या है, बहुत सारे युद्ध वगैरह भी लड़े थे, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। और अकबर जो है ना, मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाले जो थे अकबर ने, के तीन तीन वो किए थे उन्होंने, मतलब कि जो विरोध किए थे उनमें तीन विरोध हुए थे अकबर से अधीनता के लिए। एक तो हुआ था मारवाड़ का राव चंद्रसेन का, एक हुआ था मेवाड़ में महाराणा प्रताप जो विश्वविख्यात है, एक हुआ था सिरोही वाला जो लोग भूल जाते हैं, सिरोही का सुल्तान था देवड़ा है ना, देवड़ा, सिरोही के देवड़ा थे, उन्होंने भी क्या क्या अधीनता स्वीकार नहीं की थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है इस क्वेश्चन की कि मारवाड़ के चंद्रसेन ने मुगलों के संघर्ष के लिए किस स्थान पर सेना को संगठित किया? तो 1571 में मुगल शासक जो अकबर था, मुगल शासक अकबर ने, अकबर के द्वारा क्या है, जो भद्रा जून था, भद्रा जून पर क्या है, सेनापति खान कला था, उसने आक्रमण वगैरह किया, तो चंद्रसेन ने यहीं आकर के इसी जगह पर क्या किया था कि उन्होंने राम का जो पुत्र था, जो इनका बड़ा भाई जिसको गद्दी पर इन्होंने नहीं बैठने दिया, उनका पुत्र जिसका नाम था कल्ला राठौड़, उनके साथ मिलकर के और सेना वेना इकट्ठी की। फिर ये पाली वगैरह, सोजत वगैरह में भी जाते हैं, शिवाना में पहुंचते हैं, घूमते फिरते हैं, फिर युद्ध वगैरह लड़ते हैं। ये पूरी की पूरी कहानी अगर ये पूछ ले तो 1571 ईस्वी का ये समय था, और सहायता किसने की थी? राम मालदेव का बड़ा पुत्र जो कि गद्दी पर नहीं बैठने दिया गया था, जिनका राम नाम था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर आ जाओ 24 के आसपास, 24 में आ जाइए। वह कौन सा शासक था जिसने तीन मुगल बादशाहों के काल में शासन किया? क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन भी काफी ईजी है, काफी बार कर चुके हैं। मिर्जा राजा जयसिंह, कौन थे? मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मिर्जा राजा क्या हो जाएगा, जयसिंह इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीन मुगल बादशाह थे, कौन कौन से थे याद है क्या? जहांगीर, जहांगीर थे, जहांगीर के अलावा शाहजहां, शाहजहां के अलावा और कौन था, औरंगजेब, ये तीन थे। इन तीनों के नाम याद रखने, इन तीनों के। ठीक है, और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मिर्जा की जो उपाधि है मिर्जा, ये मिर्जा की उपाधि किसने दी थी, ये मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी मिर्जा की उपाधि किसे? जयसिंह को। शाहजहां ने इनको ये उपाधि भी दी थी। ठीक है, इसके अलावा 1665 में शिवाजी के साथ में जो युद्ध वगैरह हुआ था, बाद में क्या हुआ था वहां पर, जो संधि वगैरह हुई थी जिसे पुरंदर की संधि के नाम से जाना जाता है, उस संधि करवाने में भी इनका योगदान था, महत्वपूर्ण योगदान था उसमें। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप याद रखना, पुरंदर की संधि में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। चलो क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाइए, आहार सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 25 ऑलरेडी हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 25, इसको आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको तो रिपीट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26, अंग्रेजों के साथ करौली राज्य की संधि कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 26, 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंग्रेजों के साथ में जो करौली ने संधि की थी, वो करौली राज्य ने संधि कब की थी? ये की थी 1700 वो सॉरी 1817 में, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, ठीक है, 17 में तो की थी। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ये इन्होंने 17 में की थी, ध्यान रखना। अब यहां पे क्या है, ईयर को लेकर के थोड़ा सा वो दिन दिन को लेकर के ना, दिवस को लेकर के थोड़ा सा समस्या है। और इसकी ट्रिक भी थी कि भाई कोटक, कोटक महिंद्रा बैंक ऐसे याद रख लेना, कोटक महिंद्रा
या कटका या कुछ भी ऐसा याद रख लेना भाई। करौली, 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 करौली के बाद में किसने किया था? टोंक, टोंक, टोंक के बाद में कौन था? कोटा। ये सीक्वेंस याद रख लेना, ही पूछ लेते हैं, है ना। और एक पूछा जाता है सबसे सिरोही का, अंत में, अंत में किसने की? सिरोही ने। किसने की? सिरोही ने। कब की थी? 19 वो सॉरी 1823 में। ये 1823 में हुई थी, जबकि ये कब हुई थी? ये 17 में हुई थी, मतलब पहली संधि हुई थी 17 में और लास्ट वाली हुई थी 23 में। ये ध्यान रखना आप, है ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आगे चलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 27। बताइए किस पुराविद को प्रथम बार कालीबंगा सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? कौन थे जिन्होंने कालीबंगा जो है, इस कालीबंगा को श्रेय, कालीबंगा को लेकर के आए थे प्रकाश में? अब मुकेश दहिया जी कह रहे हैं कि सर ये जो डेट दी हुई ना 15 नवंबर, ये गलत है। तो ये इसलिए तो मैंने कहा भाई, मैं क्या कह रहा हूं, मैं भी तो ये कह रहा हूं कि भाई डेट को लेकर के थोड़ी समस्या है, तो डेट के बारे में कंफर्म नहीं कह सकता, क्योंकि डेट एक्चुअल में क्या थी जो हम पढ़ते हैं ना, वो 15 नवंबर पढ़ते हैं क्या? 9 नवंबर पढ़ते हैं, 15 पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं 15, हम 15 नवंबर पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने दिया ही 9 नवंबर, तो हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन टेंशन मतलब मुझे तुम वो बना दो, अध्यक्ष बना दो वो बोर्ड का, भाई साहब मैं दोनों ऑप्शन दिया करूंगा और दोनों को सही मान लिया करूंगा कि भाई जो तुम्हारा मन हो वो आप करो, ठीक है, या फिर तुम बन जाओ, ठीक है, जो है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताओ। तो अमलानंद घोष जितने भी बता रहे हैं बिल्कुल सही, अमलानंद घोष एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, ऐतिहासिक पोथी खाना कहां पर है? ये ऐतिहासिक पोथी खाना जो है ये कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए, ऐतिहासिक पोथी खाना कहां पर है? 28, ऐतिहासिक पोथी खाना जो है वो है आपका जयपुर में। कहां पर है? जयपुर में है, ठीक है। ओके चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे चलते हैं। आरपीएससी का अध्यक्ष बन जाऊं, डोडासरा जी का पद ले लेता हूं, टेंशन मत लो, ठीक है, फिर सारे पेपर सिविल बॉडी के चैनल पे मिल जाया करेंगे आपको। फिर मैं एडवर्टाइजमेंट ऐसे किया करूंगा, ऐसे बोला करूंगा कि लेटेस्ट जो आरपीएससी के जो पेपर्स हैं वो पाने के लिए, लेने के लिए स्टडी विद सिविल बॉडी चैनल सब्सक्राइब करें हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 29, झालीबाव बाबड़ी और मामा देव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में है? क्वेश्चन नंबर 29, 29, मामादेव का कुंड और झालीबाव बावड़ी जो है ये कहां पर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये कुंभलगढ़ में है, कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है उस कुंभलगढ़ के दुर्ग में है। चलो क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को भारत के किस श्रेणी के राज्य में रखा गया है? तो भारत का जो संविधान था, भारतीय संविधान के अनुसार राजस्थान को जो रखा गया था, क्वेश्चन नंबर 30, वो रखा गया था आपके द्वितीय श्रेणी में, बी में, द्वितीय श्रेणी बी में रखा गया था, सेकंड कैटेगरी पार्ट बी में रखा गया था। कभी मौका मिलेगा तो ये भी समझाएंगे आपको क्या कैटेगरी आती कैसे नहीं थी, फिलहाल याद रख लो। साधु सीताराम दास का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 31, तो साधु सीताराम दास का मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है ये सीताराम जी का, और ये इनका हुआ था बिजोलिया में, साधु सीताराम बिजोलिया किसान आंदोलन से रिलेटेड थे, इनका जन्म कहाँ हुआ था? बिजोलिया में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समराई ईच का हा का रचयिता कौन था? और अंग्रेजी वाले तो जरूर ऊपर देख लेना, हिंदी वाले उनको उनको तो अल्ले पल्ले नहीं पड़ेगा। समराई ईच का हा जो है ये किसने लिखा था? तो समराई ईच का जो है हरिभद्र जो सूरी है, हरिभद्र सूरी की क्या है इनकी रचना थी। ये रचनाओं वाला क्वेश्चन बहुत परेशान करता है, हर बार कोई ना कोई रचना लेकर के आ जाते हैं ये। क्वेश्चन नंबर 33, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? प्राचीन भारत में विराटनगर जो है वो किसकी राजधानी थी? विराटनगर जनपद जो है, प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? कौन सा जनपद है जिसकी राजधानी विराटनगर थी? 33, तो मत्स्य जनपद था, उस मत्स्य जनपद की राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। ये जो जयपुर का जो बैराट वगैरह जो है ना, ये उसी के हिस्से हैं, ठीक है, विराटनगर। क्वेश्चन नंबर 34,
बम नृत्य जो अलवर भरतपुर में प्रसिद्ध है, यहां बम शब्द से क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन नंबर है 34। बम का मतलब क्या है? बम का मतलब क्या होता है? बम का मतलब होता है नगाड़ा। बम का मतलब क्या होता है? नगाड़ा होता है, ठीक है ना। अलवर भरतपुर में किया जाता है, काफी फेमस क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, मेयो कॉलेज का संस्थापक कौन था? 35 मेयो कॉलेज जो है इसके संस्थापक कौन थे? काफी इंपॉर्टेंट है ये। और मेयो कॉलेज कहां पर है ये भी बता दो, मेयो कॉलेज कहां पर है? कई लोग तो होंगे जो मेयो कॉलेज के चक्कर भी काटते होंगे आसपास, बताओ। थर्टी फाइव का आंसर बताइए। 35, 35 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। रिचर्ड बॉर्क जो है, रिचर्ड बॉर्क संस्थापक थे लॉर्ड मेयो कॉलेज के, और ये अजमेर में है। कहां पर है? अजमेर में है, ठीक है। शिक्षा के लिए अजमेर में बहुत काम किए थे अंग्रेजों ने। क्वेश्चन नंबर 36, पर्यटन स्थल अचलगढ़ किस जिले में स्थित है? अचलगढ़, क्वेश्चन नंबर 36, ये तो इजी है, अचलगढ़ सिरोही में है, इसमें तो कुछ ज्यादा दोहराई नहीं है। क्वेश्चन नंबर जो है आ जाएगा आपका 37। क्वेश्चन नंबर 37, सांभर झील का निर्माण किस चौहान शासक द्वारा किया गया? सांभर झील का निर्माण किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 37, ये भी इजी है। सांभर झील का निर्माण किया था वासुदेव चौहान ने, चौहान शासक थे जिन्होंने इसका क्या कहते हैं निर्माण किया था। क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 38, आना सागर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38, आना सागर है आपके अजमेर में। आना सागर कहां पर है? अजमेर में है। क्वेश्चन नंबर 39, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? 39, जैसलमेर का किला किसके नाम जाना जाता है? सोनारगढ़ के नाम से जाना जाता है, सोने की तरह ये चमकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आ जाइए 40 में, 84 खंभों की छतरी कहां पर है? लीजिए फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, तो 84 खंभों की जो छतरी है वो कहां पर है? ये आपके है कहां पर? बूंदी में है। कहां पर है मित्रों? ये है आपके बूंदी में। चलिए पानी पी लेते हैं, फिर नेक्स्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। चलिए पेपर, दूसरा जो पेपर है उसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास सही चल रही है? कुछ समस्या चल रही है? कुछ फास्ट फास्ट करना है, स्पीड बढ़ानी है, कम करनी है, ऐसा कुछ है क्या? बढ़ाने की आवश्यकता है कि स्पीड को थोड़ा सा, जो जो क्वेश्चन है उससे अगर मुझे लगता है कि आसपास की कुछ बताना चाहिए स्टोरी स्टोरी तो बता देते हैं भाई। जिस हिसाब से लाइव बच्चे चल रहे हैं उसके हिसाब से कट ऑफ कितनी जाएगी? 250 जाएगी कट ऑफ भाई साहब। एक बच्चा एक नंबर तो कट ऑफ बढ़ाएगा ही। जो लाइव टेस्ट हुआ था उसका रिजल्ट जो है वो कल आपके मॉर्निंग में 10 AM पर पब्लिश हो जाएगा, तो वेबसाइट पर जाकर ही आप चेक कर लेना, ठीक है। ओके, वेबसाइट पर जाकर आप चेक कर लेना, सुबह 10 बजे आपको शो हो जाएगा रिजल्ट वहाँ पे, ठीक है। और जो आज नहीं कर पाए हैं, आज नहीं कर पाए टेस्ट नहीं दे पाए, वो कल फिर रीअपलोड हो जाएगा, तो फिर वो बाद में भी दे सकते हैं कभी भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेपर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। हाँ मतलब सही चल रहा है ना, चलो नेक्स्ट पेपर में आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए। ये रहा पहला सवाल, बताइए राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें द्रव्यवती नदी जल प्रदूषण से संबंधित समस्याओं का सामना कर रही है? क्वेश्चन नंबर 1, इसका आंसर तो आराम से बता सकते हो आप, आराम से बता सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, तो आपको पता है भाई ये अमानी शाह नाले की बात की जा रही है, जयपुर में अमानी शाह नाला ही तो है ये। क्वेश्चन नंबर 2, नाम ही तो बदला है। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं? बीहड़ कहां मिलते हैं? तो बीहड़ कहां मिलते हैं? तो
आपको पता है बीहड़ में बागी होते हैं और डकैत कहाँ होते हैं, पार्लियामेंट में। तो ये हो जाएगा आपका चंबल बेसिन, ठीक है, चंबल बेसिन में। क्वेश्चन नंबर थ्री, निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री, थ्री का आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? जवाई नदी के किनारे जो स्थित है, जवाई नदी के किनारे कौन है बताइए। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा जवाई नदी के किनारे स्थित है? क्वेश्चन नंबर थ्री, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जवाई नदी के जो किनारे है, थ्री का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर थ्री का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर थ्री में काफी लोग फंस चुके हैं, जवाई नदी, जवाई नदी में काफी लोग फंस चुके हैं। जवाई नदी के बारे में पूछा गया था, बताओ जवाई नदी जो है ये जवाई नदी के किनारे पर कौन है? और देखो जवाई नदी जो है ना, जवाई नदी का उद्गम होता है आपका पाली से। जवाई नदी का उद्गम कहाँ होता है? पाली से। और ये बहते हुए, ये पाली से जब निकलती है तो जालौर और बाड़मेर में बहते हुए निकलती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है जवाई नदी से रिलेटेड, तो ये भी पूछा जाता है कि जवाई नदी में जल की आपूर्ति के लिए एक योजना है, वो कौन सी है? सेई, सेई जल सुरंग, सेई जल सुरंग जो परियोजना है वो इसी नदी पर बनाई गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि भाई ये इसके इस कहा गया था कि किनारे पर, ये थोड़ी पूछा गया नदी कहां से निकलती है। भाई निकलती तो पाली से है, लेकिन नगर पूछा गया है, सिटी अगर पूछ ले, शहर पूछ ले, तो आपका आंसर होना चाहिए जालौर। क्या आंसर होगा? कि सर जालौर करेक्ट आंसर होगा। तो यहां लोग फंस सकते हैं और फंस भी गए थे बहुत सारे, तो आपका आंसर हो जाएगा जालौर। पाली नहीं है, पाली के, पाली इसके किनारे पे थोड़ी है, पाली में से निकल रही है, ठीक है। शहर पूछा था उन्होंने, तो ये ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर फोर, निम्न में से चंबल प्रोजेक्ट के किसमें सबसे ज्यादा जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है? चंबल प्रोजेक्ट जो है, चंबल का जो प्रोजेक्ट है, इनमें से किस प्रोजेक्ट से जो विद्युत है, उस विद्युत के उत्पादन का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंबल का क्वेश्चन है, विद्युत का क्वेश्चन है, तो राणा प्रताप सागर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फाइव में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वनोत्पाद राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बनाने में काम में लिया जाता है? क्वेश्चन नंबर फाइव, ओ हो, शराब का क्वेश्चन आ गया है क्वेश्चन नंबर फाइव। कई लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ चुकी है, बताइए। बोले सर पता चल जाए कौन सा पेड़ है, हम तो घर पे ही बना लेंगे। बोले करेक्ट आंसर क्या है? महुआ, महुआ है, महुड़ी भी बोलते हैं। महुड़ी कौन, शराब को महुड़ी कौन बोलते हैं बताइए, कौन बोलता है महुड़ी शराब को बताइए? महुआ से बनाई जाती है शराब। और एक और बोलते हैं यार, ये ग्रासिया बोलते हैं या भील बोलते हैं, एक शब्द और लेते हैं इसके नाम के लिए, क्या नाम लेते हैं महुड़ी को, और कुछ भी तो बोलते हैं लोकल भाषा में, कुछ और भी बोलते हैं, नाम भूल रहा हूं मैं, बड़ा अच्छा नाम है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान में प्रवाहित नहीं होती है? पूर्वी जो है, पूर्वी मैदान जो है उसमें प्रवाहित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर सिक्स, क्वेश्चन नंबर सिक्स, तो काकने नदी है, वो काकने नदी पूर्व में प्रवाहित नहीं होती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए सोमरस, अब याद आया सोमरस बोलते हैं भाई साहब, क्या शानदार नाम है सोमरस, सोमरस ऐसा लगता है, पता नहीं किस चीज का जूस है, किस चीज का रस है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन, राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ प्रकार माना जाता है? क्वेश्चन नंबर सेवन, तो सर्वाधिक जो उपजाऊ प्रकार जो माना जाता है वो बताइए। क्वेश्चन नंबर सेवन है, राजस्थान में निम्न में से कौन सा मृदा का सर्वाधिक उपजाऊ जो प्रकार है वो माना जाता है? राजस्थान के रेस्पेक्ट में हम बता रहे हैं, तो जलोढ़ मृदा जो है वो सबसे बेस्ट है उपजाऊ के मामले में, जलोढ़ मृदा। क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित जिलों में से कौन सा कत्थे का मुख्य उत्पादक नहीं है? कत्था जो है यहां से मुख्य उत्पादक नहीं, कत्थे के तौर पर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर एट, तो वो है आपका बीकानेर। क्या आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर एट का? बीकानेर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ, क्वेश्चन नंबर नाइन बताइए, सिंबुदड़ा एवं कोंडा ग्रंथों में किस संप्रदाय के उपदेश हैं? तो सिंबुदड़ा जो है और कोंडा जो ग्रंथ हैं, इनमें कौन सा संप्रदाय है उसके उपदेश लिखे गए हैं? तो इसमें उपदेश लिखे गए जसनाती संप्रदाय के। किसके? जसनाती संप्रदाय है, उस जसनाती संप्रदाय के उपदेश लिखे गए हैं। बिश्नोई संप्रदाय के बारे में आप जब याद रख सकते हो, बिश्नोई का एक क्वेश्चन आया हुआ था कि बिश्नोई संप्रदाय में कितने नियम होते हैं, तो 20 प्लस 9 बिश्नोई, इसलिए 29 होते हैं, 20 प्लस 9।
क्वेश्चन नंबर 10, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुर्गों से रिलेटेड क्वेश्चन है। मेहरानगढ़ का निर्माण जोधपुर से रिलेटेड है, तो इसके बारे में रखना कि जोधपुर के बारे में राव जोधा ने जो है मेहरानगढ़ दुर्ग जो है ये बनवाया था, ठीक है ना, मेहरानगढ़ दुर्ग। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपका ये रहा, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट, जोधपुर का क्वेश्चन है, जोधपुर का क्वेश्चन है, जोधपुर के किस शासक को अकबर ने सवाई राजा की उपाधि प्रदान की थी? क्वेश्चन नंबर 11, तो ये की थी राव सूर सिंह को, किसको की थी? राव सूर सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। बाकी सवाई की उपाधि किसको दी गई थी? बाकी आमेर वालों को दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टाके, तोप ढालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? बताइए, क्वेश्चन नंबर है आपका 12, कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये आपने देखा होगा कि तोप ढालने का जो सामान है वो मिलता है आपको कहाँ? जयगढ़ में, और जयगढ़ में ही तोप है आपके, गए होंगे आपने देखा भी होगा, है रियल में है, वहाँ पे कारखाना है आपको आधी बनी हुई, वो क्या बोलते हैं, मतलब सेमी मेड आपको सुरंगें भी मिल जाएंगी, कुछ उनके सांचे भी मिल जाएंगे देखने को, हैं अवेलेबल है वहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान की प्रथम महिला कौन है जिन्हें राजस्थान के मंत्रिमंडल में स्थान मिला? क्वेश्चन नंबर 13, तो ये कौन थी? ये थी आपके कमला बेनीवाल। कौन थी? कमला बेनीवाल। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रभागा का प्रसिद्ध मेला कहां लगता है? क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रभागा का मेला भी कल परसों ही देखा था हमने, ये लगता है आपके झालरापाटन में। चंद्रभागा मेला कहां लगता है? ये झालरापाटन में लगता है। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर टेसी टोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा किस सदी के लगभग अस्तित्व में आ चुकी थी? किस सदी में अस्तित्व में आई थी ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर टेसी टोरी के हिसाब से, डॉक्टर टेसी टोरी का ये कहना था भाई लगभग 12वीं सदी के आसपास जो है राजस्थानी भाषा जो है ये अपने अस्तित्व में आ गई थी। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 16 में, चित्रकला के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? नहीं लिखा हुआ है, नहीं बताना, नहीं, कौन सा सही नहीं है? बहुत खतरनाक क्वेश्चन है चित्रकला का, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। क्वेश्चन आ जाइए 16 में, चित्रकला का क्वेश्चन है, तो ये ध्यान रखना चोखेलाव महल जो है इसका संबंध बीकानेर शैली से है, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, बीकानेर शैली से इसका संबंध नहीं है। बाकी की जो ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि इसमें क्या दे दिया इन्होंने, उल्टे सीधे नाम दे रखे हैं, इस वजह से क्या हो जाएगा, थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, इसका ध्यान रखना। आलागीला चित्र शैली को एक नाम और भी है जिससे जाना जाता है, मुझे बता सकते हो वो कौन सी है? आलागीला चित्र शैली है, इसको एक नाम और भी है जिसके नाम से जाना जाता है, उपनाम कह सकते हो या सिनोनियम कह सकते हो, वो क्या है? आलागीला, बताइए। आलागीला जो है, बताइए, एक बार बता दो मुझे, तो फ्रेंच को राइस जो कह रहे हैं, फ्रेंच को राइस वगैरह जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, बिल्कुल करेक्ट है, ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए आपको ये थोड़ा सा याद रखना होगा, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, फिर से पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 70, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योद्धे प्रदेश के नाम से जाना जाता है? योद्धे प्रदेश किसको कहते थे? क्वेश्चन नंबर 17, योद्धे प्रदेश कहा जाता गंगानगर को, किसको कहते थे? गंगानगर को योद्धे प्रदेश के नाम से जाना जाता था। तो जांगल प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता था, ये भी बताइए, जांगल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होती है? निम्नलिखित में से कौन सी वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता जो है उसको बढ़ाने में जो है उपयोगी होती है? क्वेश्चन नंबर 18, और जांगल प्रदेश किसे कहते हैं बताइए, तो अश्वगंधा जो है, क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अश्वगंधा। अश्वगंधा क्या हो जाएगा? वनस्पति प्रतिरोधक क्षमता जो है ये बढ़ाने में उपयोगी होती है, प्रतिरोधक क्षमता जो है बढ़ाती है अश्वगंधा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी जिलों में नहीं पाई जाती, पश्चिम में नहीं पाई जाती है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाना जो है, ये जो है ये नहीं पाई जाती है आपके पश्चिमी राजस्थान में, पश्चिम वाला जो हिस्सा है उसमें नहीं पाई जाती है, सेवर धामण करण ये पाई जाती है, घास के नाम है ना। चलिए बीकानेर बता रहे हैं वो बस सही है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 20 नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सन 2019 की भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार पिछले 2 वर्षों में राजस्थान में वन क्षेत्रों में कितना परिवर्तन हुआ है बताइए?
कितना परिवर्तन जो है वो हुआ है, क्वेश्चन नंबर है 20, क्वेश्चन नंबर 20। अगर माइनस है इसका मतलब घटा है और प्लस है इसका मतलब बढ़ा है। तो राजस्थान में जो वैल्यू आई है वो आई है 2019 की भारतीय वन रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में जो है वो वनों की स्थिति है वो कैसी है, 57.51 वर्ग किलोमीटर जो है इतना एरिया है, इतना एरिया जो है इसमें क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है 57.51 वर्ग किलोमीटर में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ, प्लस है इसका मतलब क्या है, बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 21 में, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित युग्म में से वह कौन सा जिला है जहां लाल एवं पीली मृदा पाई जाती है? लाल पीली कहां मिलती है, काफी फेमस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21। लाल पीली बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो यह अजमेर के आसपास, अजमेर भीलवाड़ा का जो एरिया है यहां पर आपके मिलती है लाल और पीली मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 22, सिद्धमुख नहर योजना या सिद्धमुख सिंचाई परियोजना, इन नदियों का अतिरिक्त पानी प्राप्त होता है इस सिद्धमुख से नहर परियोजना में, तो कौन सी नदियां जिनका अतिरिक्त पानी इसमें लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, तो रावी और व्यास नदी, इनका अतिरिक्त पानी सिद्धमुख नहर जो परियोजना है इसमें लाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से कौन सा बांध जल विद्युत उत्पाद नहीं कर रहा है, जल विद्युत उत्पाद नहीं कर रहा है बताइए। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर, हाइड्रो पावर प्लांट की तरह वर्क नहीं कर रहा है, कौन सा है ऐसा बताइए। तो हाइड्रो पावर प्लांट नहीं है तो वो है कोटा बैराज, कोटा बैराज है, यहां से जल विद्युत, जल जो है जल के द्वारा विद्युत का उत्पादन नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 24 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किस वर्ष मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 24, मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 1977 और 1978। क्वेश्चन कुछ जाना पहचाना लगा क्या मित्रों, क्वेश्चन देखा है क्या, क्वेश्चन पहले किया है क्या मित्रों आपने, मित्रों इसका आंसर पता है क्या आपको, अरे पता है क्या, पता है ना, क्वेश्चन नंबर 24 आज देखा होगा आपने, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25, राजस्थान के किस प्रदेश में एंटीसोल समूह की मृदा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 25, तो एंटीसोल कहां मिलती है, पश्चिमी राजस्थान में मिलती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती, भाई अजमेर में जो नदी नहीं है वो कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 26, खारी, डाई, बनास और मांसी, तो मानसी नदी जो है वो आपके कहाँ है, राजस्थान का जो अजमेर है इस अजमेर में, अजमेर जिले में प्रवाहित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 27, जिंदौली सुरंग राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से किसमें स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है, जिंदौली सुरंग कुछ नया सा है तो ये हो सकता है रिपीट हो जाए। 27 नंबर का क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो गया, जिंदौली सुरंग कहाँ पर है, अलवर जिला जो है इस अलवर जिले में है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताइए, कौन सा सुमेलित नहीं है, जलवायु का ये क्वेश्चन है। कोपेन ने जलवायु को जो वर्गीकरण किया था, कोपेन, उस कोपेन का ये क्वेश्चन है, जिले दिए हुए हैं आपके सामने, जो नहीं है सुमेलित वो बताना है। और ये रहा इंग्लिश वालों के लिए, वैसे इंग्लिश हिंदी में दोनों में एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, BWHW बाड़मेर जो बता रहे हैं वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 का जितने भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, कोपेन की अगर हम बात करते हैं तो BWHW वाला कौन सा एरिया था, BWHW ये था मरुस्थल वाला, है ना, मरुस्थल वाला कौन सा था, मरुस्थल वाला था, जिसमें आपके BWHW मरुस्थल का एरिया और साथ में आपका कुछ हिस्सा जो है, ये कुछ हिस्सा के लगभग पूरा का पूरा हिस्सा जो है गंगानगर का, हनुमानगढ़ का, इनको इंक्लूड करता है। इसमें जो बीकानेर जो दिया वो बीकानेर जो है वो बीकानेर है, उस बीकानेर का कुछ हिस्सा है वो उसे इंक्लूड करता है और पश्चिमी जोधपुर को इंक्लूड करता है, लेकिन बाड़मेर जो है इस बाड़मेर को इंक्लूड बिल्कुल भी नहीं करता है, ध्यान रखना, बाड़मेर को बिल्कुल भी नहीं करता है। ठीक है, तो इसमें आपके मुख्य तौर पर जैसलमेर, हनुमानगढ़, गंगानगर पूरे के पूरे लगभग में आ जाते हैं, जबकि बीकानेर का पश्चिमी हिस्सा और जोधपुर का उत्तर पश्चिम का हिस्सा जो है वो इसमें आते हैं। ठीक है, अब सवाल ये कि बाड़मेर किसमें आता है, बाड़मेर जो है वो बाड़मेर किसमें आता होगा, तो बाड़मेर आता है मित्रों, ये बाड़मेर किसमें आता है, बाड़मेर आता है BSHW में, और हम किसके हिसाब से बात कर रहे हैं, कोपेन के हिसाब से पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना, कोपेन चचा जो है उनके हिसाब से हम पढ़ रहे हैं। चलिए
क्वेश्चन नंबर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 39 में, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया, क्वेश्चन नंबर 29। मुख्य तौर पर देखा जाए तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मेवाड़ जो था, इस मेवाड़ को जोड़ा गया था तीसरे चरण में। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, कल्याण जी का मेला कहां लगता है, ये गए भी होंगे पैदल यात्रा, कल्याण जी का डिग्गी जी में, डिग्गी जो है डिग्गी मालपुरा टोंक, यहां लगता है कल्याण जी का मेला। और ऐसा कहा जाता है भाई, जो वो मूर्ति है उस मूर्ति की जो ठोड़ी है ना चिन्ह, यहां पर क्या मोती लगा हुआ है, और कहते हैं कि भाई किस्मत वाले हैं उनको भी वो चमकता हुआ दिखाई देता है। आपको दिखा क्या किसी को, कोई गया है क्या? क्वेश्चन नंबर 31, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था, खुद गए थे नेतृत्व करने के लिए, किस शासक ने 1857 के युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं किया था, तो ये किया था सरदार सिंह बीकानेर के, बीकानेर के सरदार सिंह थे वो, उन्होंने क्या किया, स्वयं नेतृत्व किया था, ठीक है। और 1857 की क्रांति के हमारे जो विफल होने का कारण यही था कि जो बड़े बड़े राजा वगैरह जो थे ना, इन्होंने गड़बड़ कर दी थी, अंग्रेजों का साथ दे दिया था इन्होंने। राव जैतसिरो छंद के लेखक कौन है, बहुत इजी क्वेश्चन, बीठू सूजा, बीठू सूजा सभी को रटा हुआ होगा, काफी बार क्वेश्चन कर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 33, वागड़, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी कहाँ थी, क्वेश्चन नंबर 33, वागड़ जो है, वागड़ के जो परमार थे उन्होंने अपनी जो राजधानी बना रखी थी वो किसको बना रखा था, वो बना रखा था उथुनक को, जो है उन्होंने अपनी राजधानी बनाया था, उथुनक जो था, उथुनक को उन्होंने अपनी राजधानी बनाया, वागड़ के जो परमार राजवंश थे उनकी ये राजधानी थी, क्वेश्चन नंबर 33 का डी। क्वेश्चन नंबर 34 आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 34, अर्जुनायन जाति के प्रभाव क्षेत्र में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं, अर्जुनायन जाति जो, उसके प्रभाव जो था वो कहाँ कहाँ देखने को मिलता है, तो ये मिलता है आपको अलवर भरतपुर वाला जो प्रांत था इसमें ये देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर, अप्रैल 1930 में बाल विवाह निरोधक कानून के प्रणेता कौन थे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये शख्स हैं इतिहास में, जिनका नाम था क्या, राय बहादुर हरविलास शारदा, राय बहादुर हरविलास शारदा, बहुत अच्छा काम किया था इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 36, 1938 में जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम वार्षिक अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुआ, बताइए, क्वेश्चन नंबर 36 आपकी स्क्रीन पर, तो ये हुआ था जमनालाल बजाज गांधी जी के पांचवें पुत्र। क्वेश्चन नंबर जो है 37 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शेखावाटी के पंचपाणे में सम्मिलित नहीं था, क्वेश्चन नंबर 37, पंचपाणे जो थे उस पंचपाणों में जो सम्मिलित नहीं था वो कौन था, तो विसायु था, मलसूसर था, मांडवा जो है, मांडवा जिसे कहते हैं वो भी था, लेकिन आपका जो अलसीसर था, ये अलसीसर पंचपाणों में जो है ये सम्मिलित नहीं था। क्वेश्चन नंबर 38, उदयपुर में परोपकारिणी जो सभा थी उसका पंजीकृत जब की गई थी तो कब की गई थी पंजीकृत, क्वेश्चन नंबर 38, तो ये पंजीकृत की गई थी ये की गई थी फरवरी 1883 में, है ना, उदयपुर में परोपकारिणी सभा जो है बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए भी जानी जाती, पंचतंत्र के लिए, क्वेश्चन नंबर 39, मारवाड़ जो है, मारवाड़ पंचतंत्र की कहानियों के लिए या उधर के चित्रांकन जो है उनसे रिलेटेड है, कलीला दमना जो मैं कह रहा था पंचतंत्र के जो पात्र थे वही थे। क्वेश्चन नंबर 40, किस अभिलेख में चौहानों को वस्त्रगोत ब्राह्मण कहा गया, क्वेश्चन नंबर 40, वत्स गोत्र के जो ब्राह्मण कहा गया था, ये बिजोलिया का जो अभिलेख था उसमें कहा गया था, रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी हमने देख लिया है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं, किसी को पता हो तो मुझे बता देना, किसी को पता हो तो बता देना, मैं पूछूं, क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, और किसी को आइडिया हो तो मुझे बता देना। पूछता हूं मैं, ये पुरवाई जो है, पुरवाई ये हवा है, पता है ना, ये तो पुरवाई हवा का नाम है, ये पुरवाई हवा कहां से आती है, क्योंकि देखो हमने जो पढ़ा है पश्चिमी विक्षोभ के बारे में पढ़ लिया, मावठ जो है वर्षा के बारे में पढ़ लिया, अरे हवा बोल रहे हो, अरे हवा तो मैं खुद ही बोल रहा हूं कि पुरवाई हवा है, ये आती कहां से है,
ये याद रखना कहां से आती है, तो ध्यान रखना ये बंगाल की खाड़ी से आती है। कहां से आती है? बंगाल की खाड़ी। है ना, आरएएस का क्वेश्चन है वो, उसका सॉरी टीचर का क्वेश्चन है, थर्ड ग्रेड में आया हुआ था। थर्ड ग्रेड में पूछा था कि ये जो बंगाल की तरफ जो हवा आती है उसका नाम क्या है, या पुरवाई किसका नाम है। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, ये आप याद रख लेना, क्योंकि ये चीज़ मैंने क्लास में बताई नहीं थी, जहाँ मैं अभी जो पढ़ा रहा था उस समय पर नहीं बताई थी मैंने, तो इसका आप ये पॉइंट ये याद रख लेना। ठीक है, चलिए और आरएएस का क्वेश्चन पूछता हूँ। एक आरएएस का क्वेश्चन था कि एक स्थान है जिसका नाम है कवास। ये क्वेश्चन तो मैंने क्लास में करवाया है वैसे तो याद होगा, लेकिन ईयर का क्वेश्चन है तो शायद मैं भी भूल जाते हैं कई लोग। कवास स्थान जो है जो कि बाड़मेर में है, कहाँ पर है? बाड़मेर में। यहाँ पर क्या बाढ़ आई थी? कब आई थी बाढ़? ईयर कौन सा? आरएएस का क्वेश्चन है, कब आई थी बाढ़? मलखान जी धन्यवाद। तो आरएएस का क्वेश्चन 2006 में आई थी, ये याद रखना है ना। ईयर का क्वेश्चन है तो कई बार ऐसे ईयर वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं वो। ठीक है, चलो बाकी तो आप, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर, आप फोड़ दोगे। आप जो है इस बार जो है पेपर जो है पेपर उसे फोड़ दोगे, आप लोग पेपर जो है उसको फाड़ दोगे आप, मुझे पूरा विश्वास है। ध्यान रखना इस बार पेपर को आप एकदम खतरनाक तरीके से क्या है फोड़ने वाले हो, मुझे पूरा विश्वास है आपके ऊपर। ठीक है, आज आप हमारे साथ जुड़े आज के रंगारंग कार्यक्रम में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज का रंगारंग कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है, थैंक यू सो मच। और हाँ, पेपर जो है पेपर आप फाड़ देना, लेकिन इस बात का विशेष ख्याल रखना पेपर पूरा हो जाए उसके बाद फाड़ना है। पता चले पेपर मिला अपना फाड़ दिया, फिर रोते डोलोगे पेपर मिलेगा नहीं, फिर बाद में पेपर एक ही बार देंगे वो। और ओएमआर शीट अलग कर लेना, कि ओएमआर शीट भी आप फाड़ दो। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। कुक्कू जी कह रहे कि सर मैं तो नहीं फाड़ूंगा, मैं तो घर लेकर के आऊँगा, बाद में मैच भी तो करना है, कितने क्वेश्चन सही कितने गलत हैं। ये भी सही है, तो एक काम करना पड़ोसी का फाड़ देना, पड़ोसी से मांगना उसका फाड़ देना आप पेपर। बोला हमारे सर ने कहा था कि पेपर फाड़ करके आना है, लेकिन सर ने ये थोड़ी कहा था खुद का पेपर फाड़ना है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। केजीएन कोचिंग सेंटर को सजेशन चाहिए, आप बताइए क्या सजेशन चाहिए? हम मुझे सजेशन चाहिए या आपको चाहिए? गजेंद्र जी धन्यवाद धन्यवाद। और पेपर हो जाने दो, पेपर के बाद में क्या है एक आयोजन होगा, रंगारंग कार्यक्रम किया जाएगा, बढ़िया खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी, एकदम बढ़िया वाली, नहीं पीने की नहीं, खाने खाने की जाएगी, है ना, खाने पीने की होगी, सिर्फ खाने खाने की व्यवस्था होगी। ठीक है, कि तुम आकर के फैल जाओ वहां पे। इसकी पीडीएफ आपको पहला जो कमेंट है उसमें अटैच कर दी जाएगी लिंक, जो कि आपके वेबसाइट पे भी ओपन होगा, और आप अगर एप्लीकेशन डाउनलोड एप्लीकेशन में भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों जगह हो जाएगा। चौधरी जी कौन सी कोचिंग में जरूरत है, क्या जरूरत है? सुनीता जी धन्यवाद धन्यवाद। कमेंट कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, पढ़ लेता हूँ, देखो क्या आ रहा है। सर विजलाइजर एकेडमी ओनर, आई वॉन्ट टू से दैट मुझे हिस्ट्री मेरी प्रॉब्लम है, लर्न होता है बार बार। हिस्ट्री अगर याद नहीं हो रही है तो उसको याद करो, हिस्ट्री अगर याद नहीं हो तो याद करने की कोशिश करो। यार याद नहीं हो रही तो इसका क्या ही हो सकता है, याद करने की कोशिश करो और क्या हो सकता है। हिस्ट्री जो है अगर याद नहीं हो रही तो वो वीडियो लेक्चर्स देखो आप किसी के, हिस्ट्री ऐसी चीज़ है अगर आप सुनते हो ना किसी से तो जल्दी याद रहती है, बजाय खुद पढ़ने के। खुद आप पढ़ोगे किताबों में तो उतना याद नहीं रहेगा, लेकिन अगर आप देखते हो, वीडियो देखते हो, विजुअल्स देखते हो, कोई आपको कहानी सुना रहा होता है तो जल्दी याद हो जाती है। ऑटोकैड की मैराथन क्लास जल्दी लगवाने वाला हूँ, ऑटोकैड की मैराथन क्लास होगी होगी, टेंशन मत लो।
है ना, ऑटोकैड की मैराथन क्लास होगी। नितेश पाटीदार जी पूछ रहे एडमिट कार्ड कब आ सकता है। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, योर क्वेश्चन हर्ट मी। अरे एडमिट कार्ड कब आएगा? एग्जाम से पहले आ जाएगा, 5-7 दिन पहले आ जाता है, तो 3 से लेकर के 5 तारीख के बीच में एडमिट कार्ड आ जाएगा, है ना। ऑटोकैड, स्टील और पर्ट सीपीएम, इनके 3 क्वेश्चन की डिमांड है शीतल जी की, तो बिल्कुल आपकी डिमांड जो है पूरी की जाएगी, फुलफिल की जाएगी, तीनों के क्वेश्चन आपको करवा देंगे, ठीक है। हाँ विष्णु दादी जी, बिल्कुल सफिशियंट है ये क्वेश्चन। आरवी आरयूवीएनएल का एग्जाम है 5 सितंबर को, उसके बारे में क्या कहें? ऑल द बेस्ट आरयूवीएनएल का जो पेपर देने वाले हैं, अच्छे से पढ़ाई करो, रिविजन करो। आप तो पेपर फाड़ नहीं पाओगे, फोड़ सकते हो आप, क्योंकि स्क्रीन पे देना, आपको ऑनलाइन पेपर है, तो मुक्का मार करके आना बाद में। क्या कहें, आपको अच्छे से रिवीजन करना है, समय कम बचाए, आप क्या कर सकते हो, टेस्ट वगैरह दे करके जाओ और रिवीजन करके जाओ। अगर हो सके तो नॉन टेक्निकल पार्ट के कुछ टॉपिक्स हैं उनको आप करके जरूर जाना, क्योंकि विदाउट नॉन टेक के एग्जाम के कट ऑफ तक तो पहुंच जाओगे, लेकिन क्लियर करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ अवलेश मीणा जी, चिप्स की डिमांड भी पूरी कर देंगे। आर्ट एंड कल्चर में किन टॉपिक्स पर ध्यान देना है? आर्ट एंड कल्चर हो या राजस्थान जीके हो, राजस्थान जीके की खास बात आपने देखी हो, हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं अपने, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन, किसी दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो पूरा ही पढ़ना, छोड़ तो नहीं सकते आप। हसमत वाला राजा कह रहे कि सर या तो कोई शायरी हो जाए, कोई स्टोरी हो जाए। कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी के 1 या 2 क्वेश्चन आएंगे मुश्किल से, मैक्सिमम 3-3 से ज्यादा नहीं आएंगे, तो जो क्वेश्चन किए हुए हैं ना आपके, आपको करवाए हुए हैं, वो ही काफी हैं। हाँ जी केजीएन साहब, बिल्कुल आपको स्टील ऑटोकैड के इनके पर्ची में इनके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे ना। पद्मराम चौधरी जी, फाइनल ईयर का आइडिया नहीं, कंफर्म नहीं है। हाँ नेक्स्ट मंथ आप ट्राई करना कि नेक्स्ट मंथ जितना पार्ट आपका रिवीजन में जाएगा वो बेस्ट रहेगा आपके लिए, वो आपको लोगों से आगे रखेगा। नहीं टेस्ट आज का इतना भी हार्ड नहीं था कि यार जितना आप सोच रहे हो, नहीं था इतना हार्ड, 10-12 क्वेश्चन ही खतरनाक थे, बाकी तो इजी था यार, इतना भी हार्ड नहीं था। मोती कुमावत जी बताइए, देखो क्रैश कोर्स के लिए आपके वीडियो अवेलेबल हैं ऑलरेडी, और बहुत अच्छे तरीके से उसको लोग रेस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, और उससे जल्दी या उससे कम समय में रिवीजन पॉसिबल नहीं है। 2-2.5 घंटे में एक सब्जेक्ट हो रहा है नॉर्मल स्पीड में, अगर आप स्पीड बढ़ा ले तो शायद हो सकता है 2 घंटे के अंदर एक सब्जेक्ट हो जाए, इससे और अच्छा क्या चाहिए आपको। केजीएन कोचिंग सेंटर साहब कह रहे हैं कि आप है ना सर बोलते हो, मैडम बोल दो कुछ भी है। हाँ केजीएन कोचिंग साहब, मैडम मैडम जीके मैडम, ठीक है आपको बताया वो आप कर लेना। आज के टेस्ट का रिजल्ट कल सुबह आएगा। ठीक है
सुनीता जी कह रही कि जिन्होंने 6 क्वेश्चन जो है वो 6 डिसलाइक किए वो कौन है, वही तो हैं असली हैवी ड्राइवर, तो वही है। होना चाहिए वैसे, हो कोई दिक्कत नहीं है। कट ऑफ कितनी जाएगी? रवि जी को टेस्ट नहीं मिला है, कॉल करना, क्या हुआ, टेस्ट क्यों नहीं मिला आपको? और कट ऑफ कितनी जाएगी? कट ऑफ का आइडिया, चंकी जी पूछे, कट ऑफ का आइडिया नहीं है मुझे। और ऑफलाइन कोचिंग कब से? ऑफलाइन अभी तो नहीं करेंगे, अभी समय जब खराब चल रहा है नहीं कर सकते। अभी पता चला है जो चिप्स हैं, चिप्स के पैसे भी ना बचे बाद में। क्योंकि सरकार कभी बंद कर देती है, फिर किराया देना पड़ जाएगा। और आप सोचो यहाँ ये 30, 29, 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये की टेस्ट में लोग बोलते थे फीस कम करो, ऑफलाइन खोल दी तो वो मकान मालिक तो मुझे रात में उठा लेगा। फीस कहाँ से दोगे आप, रेंट कहाँ से दोगे? 7वें टेस्ट का ऑफलाइन का सॉल्यूशन कल अपलोड हो जाएगा, कल आपको मिल जाएगा, ठीक है? चलिए चलो, 2 लाइनें सुनाता हूँ। आप कह रहे होते हैं ना पुरानी लाइनें काफ़ी फेमस, लेकिन अच्छी लाइन है ना, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, ये लाइनें चेंज होती हैं। चंकित जी बोल रहे कि सर 12 के बाद मैं आपके साथ हिमाचल चलूंगा। अरे हिमाचल आप तब चलोगे जब मैं साथ लेकर के जाऊंगा। जबरदस्ती है ओनली इन्जॉयमेंट करें सर, यूट्यूब की ममाई बताओ। ममाई नहीं, वो कमाई लिखना चाह रहे थे, ममाई लिख दिया उन्होंने जल्दी जल्दी में। कमाई यूट्यूब की कितनी है? कमाई यूट्यूब की इतनी है कि मैं रात और रात कंपनियां खरीद सकता हूँ, रात और रात आप कहो उस कंपनी को खरीद सकता हूँ मैं, यूट्यूब की इतनी कमाई है मेरी। ठीक है, कमाई बताएंगे, अरे फ्री हो जाएंगे ना किसी दिन, तो बढ़िया आपको बताएंगे कि भाई कितनी अर्निंग होती है, क्या है कैसे नहीं है, यूट्यूब का क्या सिस्टम है क्या नहीं है, एक दिन बताएंगे आपको, है ना। दूसरा वाला चैनल नंदी वाला, उस पर बताएंगे, इस पर नहीं बताएंगे, इस पर बताएंगे तो सबको पता चल जाएगा, सबको पता चल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी, लोगों को पता चल जाएगा अच्छा ये तो इतना पैसा कमाते हैं। और इस मैं जो उसका थंबनेल बनाऊंगा ना, थंबनेल भी ज़बरदस्त बनाऊंगा, देखिए जान करके आप चौंक जाएंगे, कैसे अमित सिंह भदौरिया 1 साल में, नहीं कैसे अमित सिंह भदौरिया जी बन गए 1 साल में करोड़पति, खतरनाक ऐसे करोड़पति, करोड़ जो पति होगा उसको बड़ा बड़ा लिखेंगे ताकि सब लोग उस वीडियो को देखें। ऐसा होता है ना, क्लिक बैट वाला सिस्टम होता है। ब्रेकिंग न्यूज़, जानिए क्या स्ट्रेटेजी रही थी इनकी। हर बार तुम्हारा चेहरा, हर बार तुम्हारी आंखें, हर बार किसी का चेहरा, हर बार किसी की आंखें, हर बार उसी का चेहरा, हर बार उसी की आंखें, हर बार तुम्हारा चेहरा, हर बार तुम्हारी आंखें। ठीक है, अभी इतना ही, ज़्यादा नहीं है ना, क्योंकि अभी एग्ज़ाम आ रहा है, ठीक ना। तो अपने अरमानों को कंट्रोल में रखना और पढ़ाई वढ़ाई करो अच्छे से। बाकी कल रिजल्ट आएगा सुबह 10 बजे, और कल ही एक वेबिनार रखा जाएगा स्पेशली आप लोगों के लिए, उसमें डिस्कशन करेंगे टेस्ट के रिगार्डिंग, टेस्ट में क्या स्कोर रहा है और आगे क्या करना है आपको, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।